हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं BCEC 2023 प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसका फॉर्म फाइनली यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। अब हम आज के वीडियो में जानेंगे कि परीक्षा यहाँ पे किस दिन से शुरू होगा, फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कैसे किए जाएंगे, कब से फॉर्म अप्लाई यहाँ पे होगा एंड कितना रुपया किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को लग रहा है। तो आज की वीडियो में मैं फुल डिटेल्स के साथ फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो साथियों, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं, हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले इन, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के सबसे पहले आप तक पहुँचो। के साथियों, तो समय को न गवाते हुए चलते हैं BCECE के ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे कितने एज तक वाले का यहाँ पे फॉर्म फिल होगा, यहाँ पे कौन से कैटेगरी वाले का फॉर्म फिल होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं BCECE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके साथियों, तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जाम BCECE के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वेलकम टू BCECE बोर्ड के ठीक सामने यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे क्या कुछ आया है। ठीक है साथियों, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो है हमारा न्यू PDF ओपन होगा। ओके, फाइनली साथियों, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ये यहाँ पे PDF डाउनलोड कर चुकी हूँ। अब इस PDF में हम जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे अब ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, कि कौन कौन से वाले कैटेगरी वाले का कितना यहाँ पे चार्ज लगेगा एंड कौन से कैंडिडेट कौन से अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने एवं चयनाव उपरांत नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी से यहाँ पे विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका जो आधार है इस प्रकार डिग्री के यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार है साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म को यानी कि BCECE जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लेकर के 12th पास आउट हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ रहने वाली है। ये वही BCECE है जिसके अंतर्गत आपको BSc नर्सिंग, एग्रीकल्चर, ऑप्थेल्मिक, OCS फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कोर्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, एंड इसके साथ जो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल्स के साथ वीडियो बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम जान लेते हैं ये फॉर्म जो है कब से यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है। उससे पहले हम लोग को जानना ये ज़रूरी है कि इस फॉर्म को अप्लाई करते समय हम लोग को क्या क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है एंड साइबर वाले के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आप लोग जो है अपना फ़ोटो, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ईमेल आईडी एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग को क्या लगेगा एंड फ़ोटो, जैसा कि मैं आप लोग को बता दी, ये वो फ़ोटो लगेगा जो फ़ोटो के नीचे आपका हस्ताक्षर अवश्य रहेगा। ठीक है, तो फोटो के नीचे अगर हस्ताक्षर हो तो वो देख लीजिए यहाँ पे, और ये सिग्नेचर जो है आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आपका एडमिट कार्ड में होगा, 10th 12th का एडमिट कार्ड। एंड स्टेप 4 में जो है ये आप लोग देख लीजिए, आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो ये 10th और 12th का यहाँ पर जो है नंबर वगैरह मांगा जाता है। एंड 5 स्टेप देख लीजिए आप लोग, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 स्टेप यहाँ पर पेमेंट का है, तो पेमेंट की प्रक्रिया देख लीजिए। अब इसके अंतर जो है उपरोक्त अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क जो है संबंधित आवश्यक विवरणी जो है किस प्रकार है,
तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे सामान्य वर्ग से है, कमजोर वर्ग से है या पिछला वर्ग से है, यानी कि जो कैंडिडेट जनरल से है, ईबीसी से है, बीसी कैटेगरी से है, ठीक है, तो उनको उनके लिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये का ही फॉर्म यहाँ पे फिल किया जाएगा। वही यहाँ पे इन सारे फॉर्म को फिल करने में अगर आप DQ कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 500 रुपये आपको लगेंगे। एंड इसके साथ अगर आप यहाँ पे PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अगर चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वही आपका 1100 रुपया लगेगा। एंड इसमें अगर आप DQ कोटा से आते हैं साथियों तो वही आपको 550 रुपया लगेगा, ठीक है। एंड फॉर्म फिल करने के बाद सबसे ज़रूरी यहाँ पे बात ये है पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के बाद काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इसका, तो साइबर वाले से ये अवश्य ले लें, आप अपना पार्ट ए एंड पार्ट बी का फोटोकॉपी और उसको जो है सुरक्षित रूप से रखें, ठीक है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो है BCEC जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट करी है वो कब से है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट जो है ये 7/5/2023 से है। एंड वही क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 2/6/2023। एंड नेट बैंकिंग यहाँ पे आप कब तक पेमेंट कर सकते हो तो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 3/6/2023 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। वही अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एक टाइम दिया जाता है एडिटिंग का, 4/6/23 से यहाँ पे 5/6/23 यानी कि एक दिन का आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, आप साइबर वाले के पास जाके फॉर्म को एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। और भी अगर इन्फॉर्मेशन जानना हो तो इस PDF को आप पा सकते हैं, तो PDF को पाने के लिए आपको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त करना होगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया, वहाँ पे मैं ये PDF अभी डाल दे रही हूँ, तो वहाँ से भी इस PDF को आप पा सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। अब इसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या कुछ है, तो 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर की को जो है यहाँ पे आवेदन की न्यूनतम आयु 17 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। एंड अधिकतम देख लीजिए, एंड बाय लाइन इसको जो है न्यूनतम आयु जो है 16 वर्ष एग्रीकल्चर वालों के लिए, ये देख लीजिए, ठीक है साथियों। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर कि इस इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। साथियों BCEC के अंतर्गत जो है बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग, एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत आप जो है बी फार्मा भी कर सकते हैं। डी फार्मा मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि डिप्लोमा लेवल है, ये DCEC के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आप फार्मेसी भी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कोर्स आप इस कोर्स के माध्यम से BCEC का एग्जाम क्वालिफाइड करके आप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर कि इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम साथियों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, बाय बाय, टेक केयर साथियों।